हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डीआरडीओ के लिए क्रैश कोर्स, और 40 डेज़ का पूरा हमारा टाइम टेबल है, 40 डेज़ का प्लान है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपने लग के अच्छी तरह से 40 दिन मेहनत कर ली तो ये एग्ज़ाम, ये टीयर वन एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्वालिफाई होगा। और इसकी पूरी स्ट्रेटजी क्या है ये 40 दिन के लिए, वो मैंने लास्ट वीडियो में जो डीआरडीओ का अपलोड किया था आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया था, कैसे आपको जीके पढ़नी है, किस टाइम पर आपको इंग्लिश पढ़नी है, सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करी थी। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और देखिए, क्या ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? बाय चांस अगर सपोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे, लेकिन क्या होता है प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करता हूँ, कभी कभी इधर उधर मिस हो जाता है या कुछ गलती हो जाती है, कोई वीडियो इधर उधर हो जाता है। तो उसके लिए अपनी वेबसाइट पर एक वेब पेज आपके लिए बना दिया है। आप हमारी वेबसाइट जैसे ही विज़िट करेंगे, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आएगा डीआरडीओ वीडियो क्लासेस। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका एक नया वेब पेज ओपन होगा। उसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे डेट वाइज टॉपिक दिया गया है। जैसे आज 24 सितंबर है, तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब इसके आगे लिखा है वॉच फ्री वीडियो। जैसे ही वीडियो अपलोड हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। अभी आप जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ पर लिखा होगा वॉच फुल वीडियो। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको वहीं नीचे लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ। यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है कि भाई, फिर आप नेक्स्ट डे जब 25 सितंबर को ओपन करेंगे, जब हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब उसका भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा और उसका पीडीएफ भी यहाँ पर मिल जाएगा। कभी कभी अगर नहीं मिलता है तो एक बार इस पेज को रिफ़्रेश कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और रिफ़्रेश करने के बाद भी नहीं मिलता है तो हिस्ट्री डिलीट करने के बाद दोबारा से ओपन करिएगा तो आपको सारे लिंक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेट के लिए कोई बुक चाहिए, तो बुक का लिंक मैंने यहीं पर इसी पेज पर नीचे दिया हुआ है। इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स का लिंक दिया हुआ है। प्रैक्टिस बुक या जो भी आप चाहते हैं वो सारी आप ले सकते हैं, सारे लिंक मैंने आपको दे दिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है रीजनिंग का, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। टॉपिक हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस। सबसे पहले तो समझिए कि डायरेक्शन क्या होता है। देखिए, आप सभी को पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके बाद आपने लेफ़्ट टर्न लिया या राइट टर्न लिया, तो आपको ये समझना चाहिए कि लेफ़्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। तो मैं आपके सामने बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आता, आप अपने आप को अज्यूम कर लीजिए। अब उसने बोला कि आप नॉर्थ में जा रहे हैं, मतलब कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और उसने बोला आप यहाँ से राइट टर्न लेते हैं, तो अब आप अपने आप को अज्यूम करिए कि आप ऊपर जा रहे हैं, ये आपका लेफ़्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। तो उसने बोला यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न हुए, तो इसका मतलब आप किधर जाएंगे, लेफ़्ट इधर, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट। और उसने बोला आप राइट टर्न हुए, तो राइट किधर जाएगा आपका, ये जाएगा ईस्ट में। और अगर वो बोलता है आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब ये साउथ डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, अब ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ़्ट हैंड है। अब वो बोलता है आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने लेफ़्ट टर्न लिया, तो आप किधर जाएंगे, किस डायरेक्शन में, आप जाएंगे ईस्ट में। और अगर बोलता है कि आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने राइट साइड टर्न लिया, तो आप किधर जाएंगे, वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर वो बोलता है आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपने राइट टर्न लिया, तो अब आप ये देख सकते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। राइट टर्न लिया मतलब कि डाउनवर्ड आया, तो डाउनवर्ड कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। और लेफ्ट टर्न लिया तो अपवर्ड गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। ऐसे उसने बोला कि अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने वेस्ट डायरेक्शन में गए, इसके बाद आपने राइट टर्न लिया, अब ये वेस्ट है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ, ये आपका राइट हैंड हुआ। अब इसने बोला आपने राइट साइड टर्न लिया, मतलब कि आप कहाँ गए, अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्थ। और उसने बोला आप वेस्ट जा रहे थे, आपने लेफ्ट टर्न लिया, तो किधर गए आप, डाउनवर्ड यानी कि साउथ। तो ये लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये बहुत ही बेसिक है, बिकॉज आगे अभी हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे वो पज़ल हो, सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ पर इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन की, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। लेफ़्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा देखिए क्या होता है, हर एक डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री।
ये जो भी एंगल है ये सारा एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा इसका इंटरसेक्शन होता है, ये जो 45 डिग्री, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो एंगल है हमारा ये है 45 डिग्री, ऐसे ही ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, ये होगी नॉर्थ वेस्ट, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ये डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, ये भी 45 और ये भी 45। ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, मतलब कि ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इसके बाद फिर जो अगला कॉन्सेप्ट है उस पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, नीलू स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया या बोला गया पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट को बहुत क्लियरली लिखा करिए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बिकॉज आप सॉल्व करना शुरू करते हैं बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कहाँ से चले थे कहाँ गए पता ही नहीं चलता है। तो वो सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। और जितनी आपको डिस्टेंस दी जाती है, अगर 10 मीटर एक जगह बोली गई है और दूसरी जगह भी 10 मीटर, तो बराबर की लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब कि उतनी ही लेंथ की। ऐसा नहीं कि एक जगह 10 मीटर बोला तो आपने इतनी ड्रॉ कर दी, दूसरी बार 10 मीटर बोला तो आपने इतनी ड्रॉ कर दी, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीलू स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एस, एस मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, भूलेंगे नहीं, आप गड़बड़ाएंगे नहीं इसमें। अब देखिए इसके बाद है, वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट वर्ड टू रीच बी। अब ईस्ट डायरेक्शन किधर होता है, राइट साइड में। तो बोला ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी तक गया कितना, 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर हुआ, ये पॉइंट हुआ हमारा बी, और ये क्या है, ये ए से ईस्ट डायरेक्शन में चला है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ए से ईस्ट डायरेक्शन में गया 10 किलोमीटर, बी पॉइंट पर पहुंचा। इसके बाद अपने लेफ्ट गया। अब देखिए ईस्ट में गया था, मैंने आपको अभी बताया था, लेफ्ट मतलब कि ऊपर जाएगा, कितना गया है 3 किलोमीटर्स, ये आया आपका 3 किलोमीटर, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बोला उसने सी, ये कितना है 3 किलोमीटर। इसके बाद बोला फिर लेफ्ट हुआ, अब ऊपर जा रहा था ऐसे नॉर्थ में, अब लेफ्ट यानी कि किधर होगा, इधर होगा आपका लेफ्ट, तो ये किधर जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। कितना चला है, एंड वॉक 12 किलोमीटर, तो 10, ये 10 है, अब इसके बराबर या इससे छोटा नहीं बनाएंगे आप 12 किलोमीटर, 12 10 से बड़ा ही होता है, इसका मतलब ये जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ये 10 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ आपका डी। इसके बाद बोला फिर लेफ्ट टर्न हुआ और कितना चला, 3 किलोमीटर टू रीच ई। अब देखिए 3 किलोमीटर चला है, अभी किधर जा रहा था, ये वेस्ट में जा रहा था, मतलब कि इधर लेफ्ट टर्न हुआ तो कहाँ आएगा, नीचे साउथ की तरफ, और कितना, 3 किलोमीटर। अब ये आप देख रहे हैं कि जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 3 किलोमीटर, इधर भी हमें चलाना है 3 किलोमीटर, इसका मतलब जितनी ये लेंथ है ये उतनी लेंथ की लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया ई। बस बन गया हमारा डायग्राम। अब बोला है हाउ फार इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से और जहाँ पर ख़त्म हुआ है फिनिशिंग पॉइंट पर, यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्लियरली बता सकते हैं ये कितना है, 12 किलोमीटर। अब यहाँ तक 10 है तो ये बचा हुआ रिमेनिंग कितना हुआ आपका, 2 किलोमीटर। सो आंसर इज 2 किलोमीटर। इसके बाद है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए। अब पूछा है ई जो है पॉइंट ए से किस डायरेक्शन में। अब ये देखिए आप, ये ई है और ये ए है। अब आप क्लियर देख सकते हैं, ए से पूछा कि ए से किस डायरेक्शन में, तो ये ए से किस डायरेक्शन में आपका, इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, इधर होता है हमारा वेस्ट, आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। अगर पूछा जाता पॉइंट ए ई से किस डायरेक्शन में, अब यहाँ पर पूछा क्या, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए, तब तो हमने बताया वेस्ट। अगर बोला जाता है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ई, तब क्या हो जाता, तब पूछा जाता ए का डायरेक्शन, कहाँ से, ई से, तो ई से ए का डायरेक्शन क्या हो जाता, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाता, ईस्ट। चलिए अगला देखते हैं, मनोज वॉक 30 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ड्रॉ कर लेते हैं इसको, यहाँ से मान लीजिए उसने स्टार्ट किया, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ से 30 मीटर्स की
किधर गया? ईस्ट डायरेक्शन में, टुक अ राइट टर्न। अब ईस्ट में गया था, राइट टर्न मतलब कि नीचे जाएगा साउथवर्ड, तो ये किधर जाएगा? साउथ डायरेक्शन की तरफ। यहाँ पर आ गया साउथ में, कितना था ये चला है आपका 40 मीटर। अब देखिए ये 30 है तो 40 ऑब्वियस है, इससे ज़्यादा ही होगा। चलिए यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ तक आया मान लीजिए, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये पूरा 40 मीटर है। इसके बाद बोला देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। अब यहाँ तक आया था, डाउनवर्ड जा रहा था, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट आपका किधर होगा? लेफ्ट इधर होगा, इसका मतलब इधर जाएगा, तो यहाँ से कितना चला? 30 मीटर्स। अब ये भी 30 मीटर्स है तो ये हो गया आपका 30 मीटर्स। यहाँ पर आ गया, ये क्या है आपका फिनिशिंग पॉइंट। अब बोला है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से और यहाँ पर किस डायरेक्शन में है? तो बस ये बताना है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, ये आपका कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कौन सा डायरेक्शन निकल के आ रहा हमारा? साउथ ईस्ट। सो आंसर क्या होगा हमारा? साउथ ईस्ट। चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। पॉइंट डी इज 14 मीटर टू इट्स वेस्ट पॉइंट ऑफ ए, मतलब कि पॉइंट डी जो है वो ए के वेस्ट पे है, कितना? 14 मीटर। ये हमने बनाया यहाँ पर ए, और इसके वेस्ट में मतलब कि इधर की तरफ आपको पता ही है डायरेक्शन, ये कौन सा पॉइंट है? डी। ये कितना है? 14 मीटर। इसके बाद बोला पॉइंट बी इज 4 मीटर टुवर्ड साउथ ऑफ डी, पॉइंट बी जो है वो डी से साउथ में मतलब कि डी के नीचे साउथ की तरफ है, कितना है? 4 मीटर। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये हो गया बी। इसके बाद बोला है पॉइंट एफ इज 9 मीटर टुवर्ड साउथ ऑफ डी, मतलब कि डी से साउथ में 9 मीटर, कौन सा पॉइंट है एफ? अब ये डी पॉइंट था, यहाँ से ये नीचे और ड्रॉ कर दीजिए इसको, ये कौन सा पॉइंट हो गया? एफ। अब ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 9 मीटर। इसके बाद बोला है पॉइंट ई इज 7 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ बी, अब ये बी है, यहाँ से ई कितना है? 7 मीटर ईस्ट की तरफ। 7 मीटर हम सिर्फ यहीं तक ड्रॉ करेंगे, इसके आगे तो जाना नहीं, बिकॉज ये 14 मीटर यहाँ दिया हुआ है तो 7 मीटर इससे छोटा ही बनेगा, इसका हाफ होगा, तो ये मान लीजिए पॉइंट ई हो गया, ये कितना हो गया? 7 मीटर। इसके आगे सब कुछ डिस्टेंस वगैरह लिख लिया करिए। इसके बाद है पॉइंट सी इज 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ई, अब ये ई है, सी बोला है नॉर्थ में है, मतलब कि ऊपर की तरफ चलेगा, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होता है, और कितना है? 4 मीटर। अब ये आप देखिए ये कितना है? 4 मीटर, तो 4 मीटर इसके मतलब इसके बराबर ही होगा, यानी कि इसी पॉइंट पे आएगा। ये आ गया हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ये सी। इसके बाद बोला है पॉइंट जी इज 4 मीटर टुवर्ड साउथ ऑफ ए, जो पॉइंट जी है वो क्या है? ए से 4 मीटर साउथ में। अब 4 मीटर है मतलब कि बराबर ही ड्रॉ होगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये हो गया जी। अब ये सारे देखिए एक लाइन में हो जाएंगे, बिकॉज ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। पहला देखिए डी ई ए नहीं है ये, दूसरा ई जी सी ये भी नहीं है, तीसरा है डी बी जी ये भी नहीं है, इसके बाद है ई जी बी, ये एकदम सही है। ये देखिए ई जी बी ये एक स्ट्रेट लाइन में है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पॉइंट ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, अब सी के रिस्पेक्ट में ए किस डायरेक्शन में? ये है सी और ये है ए, पूछा है ए पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? ईस्ट, बस यही आंसर है। इसके बाद है पॉइंट डी एंड सी आर इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी, पॉइंट डी और सी आर इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी, ये आपका डी दिया है, ये आपका सी दिया है, और ये जो है यहाँ पर आपका जी दिया है, तो पूछा है कि डी और सी जी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, तो ये आप ड्रॉ करके बता सकते हैं ये कौन सा डायरेक्शन होगा, आप क्लियर बता सकते हैं ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा? ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये सारे नॉर्थ वेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का, डिस्टेंस का, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये सब आपको आना बहुत ज़रूरी है,
इसके बाद चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको ये नहीं बताया जाता है कि कितना डिस्टेंस चला या किधर गया। आपको ये बोल दिया जाता है कि 135 डिग्री घूमा, 180 डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूमा, 270 डिग्री घूमा, कुछ भी मान लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉ नहीं करनी होती कि एक एक आप घुमा रहे हैं, 135 घुमा रहे हैं, फिर 180 घुमा रहे हैं, फिर 90 घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं उनको आप एक तरफ ले लीजिए और क्लॉकवाइज वाले उनको एक तरफ ले लीजिए, और जो आपका आंसर मिलेगा अगर क्लॉकवाइज में मिलेगा तो क्लॉकवाइज घुमा के आंसर दे दीजिए। देखिए बता देता हूँ, क्लॉकवाइज को प्लस में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस में लेना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, बोला गया है अ मैन इज फेसिंग साउथ, इसको अभी छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 135, यानी कि माइनस का 135। इसके बाद क्या है, 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो प्लस का 180। इसके बाद क्या है, फिर 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज, प्लस का 135, और उसके बाद 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि माइनस का 90। अब क्या करना होता है, प्लस वाले एक साथ माइनस वाले एक साथ इनको सबको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये 135 से 135 कैंसिल, और ये प्लस 180 से माइनस 90, यानी कि क्या आपको आंसर मिलेगा, प्लस का 90। प्लस मतलब कि क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब कि आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है बस। कितना घुमाना है, प्लस का मतलब मैंने क्या लिया है यहाँ पर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपको घुमाना है कितना, सिर्फ 90 डिग्री। कहाँ से घुमाना है ये दिया गया है, अ मैन इज फेसिंग साउथ। अब साउथ मतलब यहाँ पर देख रहा है, क्लॉकवाइज कैसे होता है आप सबको पता है, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाना है मतलब कि राइट साइड पे 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो 90 डिग्री घुमा देंगे तो कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा, वेस्ट। बस यही आंसर है, बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, इसका आंसर है वेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस किया है, पहले हम सारे एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 225 क्लॉकवाइज, ये कितना हो गया आपका, 135, 45, 180, 225 में से 180 घटाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 45। मतलब कि हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, प्लस मतलब कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाना है कितना, 45 डिग्री, और कहाँ से घुमाना है ये दिया गया है, साउथ डायरेक्शन से। तो साउथ की तरफ देख रहा था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड में घुमाना है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो बस इसका आंसर है आपका साउथ वेस्ट। इसी तरह से किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसको डायग्राम से या ड्रॉ करके वो सब वैसे नहीं किया जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसको आपको ऐसे ही करने होते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा सन सन शेडो कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, सन शेडो। देखिए ये आपके सामने डायग्राम दिया गया है, ये क्या है, ये मॉर्निंग टाइम है, ये मॉर्निंग टाइम का डायग्राम है और ये इवनिंग टाइम का डायग्राम है। मॉर्निंग मतलब कि सन आपका कहाँ होता है, सूरज कहाँ होता है, ईस्ट में, तो आपकी जो शेडो होगी वो किधर जाएगी, वो जाएगी वेस्ट में, ये मॉर्निंग टाइम की अभी हम बात कर रहे हैं। और जब इवनिंग टाइम होता है, इवनिंग टाइम में क्या होता है, सन आपका कहाँ पर सेट होता है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपकी जो परछाई जाएगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन में। अरे ये आपके सामने सन है, अगर सन आपके सामने वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपकी परछाई इसके पीछे ही तो होगी, तो ये कहाँ होगी, ईस्ट में। ऐसे यहाँ पर मॉर्निंग में कहाँ, ईस्ट से निकलता है यानी कि पूर्व दिशा से निकलता है, तो परछाई कहाँ होगी, इसके पीछे तो आपकी परछाई होगी, यानी कि कहाँ पर होगी, वेस्ट डायरेक्शन में। अब चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन द इवनिंग टाइम रेखा इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, इफ हर शेडो इज टुवर्ड्स राइट देन वॉट इज द फेसिंग डायरेक्शन ऑफ रेखा। सबसे पहले यहाँ पर देखना होता है कौन सा टाइम है, क्या दिया गया है, इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम है मतलब कि आपको साफ पता है इवनिंग टाइम पर शेडो कहाँ पड़ती है, परछाई कहाँ पड़ती है, ईस्ट डायरेक्शन में,
ठीक है, इवनिंग टाइम में शेडो कहाँ पड़ेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। और बोला क्या है, उसकी जो शेडो है, इफ हर शेडो मतलब कि परछाई इज टूवर्ड्स राइट, मतलब कि आपको ये बताना है कि किस के लिए जो है ईस्ट आपका राइट साइड पे पड़ेगा, बस वही आपका आंसर होगा। अब ये देखिए आपको बता देता हूँ, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट। वेस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ शेडो कहाँ मिलेगी, ईस्ट में। ईस्ट से मतलब है, ये क्या होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अब ये राइट साइड किसके होगा, ये ईस्ट, जो नॉर्थ की तरफ देखेगा या जो साउथ की तरफ देखेगा। जो नॉर्थ की तरफ देखेगा उसका होता है ये राइट साइड, और ये होता है उसका लेफ्ट साइड। तो इसका राइट साइड कहाँ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, कौन से डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर आप साउथ की तरफ उसको खड़ा करेंगे ऐसे नीचे की तरफ, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। ये क्या होता है वेस्ट, वेस्ट में तो शेडो पड़ ही नहीं रही, शेडो कहाँ पड़ रही है, शेडो तो पड़ रही है ईस्ट में। और हमसे पूछा है जो शेडो पड़ रही है उसके राइट साइड पे पड़ रही, तो ये राइट किसका होगा, जो नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा उसका ही तो राइट होगा। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इन द मॉर्निंग टाइम टू पर्सन ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ ग्राउंड, इफ ए शेडोज डायरेक्शन इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब कुछ नहीं है, बी के लेफ्ट में पड़ रही है शेडो परछाई, किस टाइम पर, मॉर्निंग टाइम पर। तो पूछा भैया बी किस डायरेक्शन में देख रहा, अब मॉर्निंग टाइम है ये, तो परछाई कहाँ पड़ेगी, वेस्ट में, यानी कि पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगी। और वो क्या बोला है उसने, वो बोला है कि उसका लेफ्ट होना चाहिए। तो वेस्ट किसका लेफ्ट होगा, जो साउथ की तरफ देखेगा या जो नॉर्थ की तरफ देखेगा। सीधी सी बात है, जो नॉर्थ की तरफ देखेगा, नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करेंगे तो आपका लेफ्ट किधर जाएगा, आपका लेफ्ट जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में, और आपका जो राइट जाएगा वो किधर जाएगा, वो आपका राइट जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट में सन है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे, वेस्ट से, क्योंकि यहाँ पर हमारी शेडो है। तो इसका मतलब कहाँ पर देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, बस यही इसका आंसर है, यही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये डायरेक्शन और डिस्टेंस में जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे बता दिए हैं। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की। अब इसमें देखिए इसको किस तरह से किया जाता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मान लीजिए सपोज ये पांच लोग दिए गए हैं, इनकी टॉप से जो रैंक है और इनकी यहाँ पर बॉटम से रैंक है, सिर्फ अभी बता रहा हूँ कैसे होता है। टॉप से रैंक है 1 2 3 4 5, बॉटम से क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं सी, टोटल यहाँ पर लोग कितने दिए गए, पाँच, मतलब कि टोटल रैंक जो यहाँ पर दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 5। अब देखिए 5 हमें चाहिए है, हमने एलिमेंट लिया है सी, कैसे मिलेगा, सिर्फ इन्हीं दो नंबर्स का यूज़ करके हमें लेना है, कैसे मिलेगा। अगर हम 3 और 3 को जोड़ दें और उसमें -1 कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा, 3 + 3 - 1। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 = 3 + 3 - 1। मान लीजिए अगर हम डी एलिमेंट लेते हैं, ये डी ये वाला, तो हमें इससे बनाने हैं 5, नंबर हमारे पास है 4 और 2, तो हम कैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 4 + 2 कितना हुआ 6 - 1 कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, ये 4 क्या है, रैंक फ्रॉम टॉप, 2 क्या है, रैंक फ्रॉम बॉटम -1, और ये क्या है 5, टोटल रैंक। तो ये बन गया इस तरह से हमारा फॉर्मूला, क्या बना, टोटल रैंक, यानी कि हिंदी में बोले तो कुल रैंक बराबर ऊपर से रैंक, रैंक फ्रॉम टॉप, प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम नीचे से रैंक, -1। अब बस इसमें जितने भी सवाल होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से होते हैं। सॉरी, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मीताज रैंक इज 16th फ्रॉम टॉप एंड 12th फ्रॉम बॉटम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन देयर इन द क्लास। मतलब कि मीता की रैंक टॉप से ऊपर से रैंक दी गई है 16 और नीचे से बॉटम से रैंक दी गई है 12। पूछा गया है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मतलब कि कितना, क्या पूछा गया है, टोटल रैंक पूछी गई है। बस ये फॉर्मूला है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा,
16 प्लस 12 माइनस 1 कितना हो गया ये 27, यानी कि टोटल रैंक कितनी आई 27। टोटल रैंक मतलब कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में 27। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें, इन अ क्लास शुभा इज 10th फ्रॉम टॉप, शुभी इज 20th फ्रॉम बॉटम, दीपू इज 11 रैंक्स बिलो शुभा एंड 21 रैंक्स अबव शुभी। अब देखिए पहली चीज़ एक ये ध्यान रखिए, जो ये फॉर्मूला बताया टोटल रैंक इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम माइनस वन, इसमें ये तभी हम निकाल सकते हैं जब किसी एक ही पर्सन की या एक ही व्यक्ति की रैंक टॉप से पता हो या बॉटम से पता हो। ऐसा नहीं कि एक की रैंक टॉप से दी है दूसरे की बॉटम से दी है, आपने दोनों को ऐड करके माइनस करके आपने आंसर निकाल लिया, ये गलत होगा। जब किसी एक ही व्यक्ति की रैंक, एक ही पर्सन की रैंक टॉप से और बॉटम से दी जाती है तभी आंसर निकलता है। अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की रैंक दी गई, दो अलग अलग पर्सन की रैंक दी गई है टॉप और बॉटम, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर शुभा बोला है, यहाँ पर शुभी बोला है, तब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ये नहीं निकाल सकते हैं आप। जब एक ही पर्सन की दी जाती है तभी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ हिंट दिया गया है, बोला गया है दीपू 11 रैंक बिलो शुभा एंड 21 रैंक अबव शुभी, तो अब आप बता सकते हैं आसानी से शुभा की रैंक कितनी थी टॉप से 10, और दीपू के लिए बोला कि वो उससे 11 रैंक नीचे है। शुभा की रैंक टॉप से कितनी थी, टॉप से कितनी थी 10। मान लीजिए आपकी क्लास में रैंक है 10 और मैं बोलता हूँ कि मेरी आपसे 11 रैंक नीचे है, तो मेरी रैंक क्या हो जाएगी, मेरी रैंक 21 हो जाएगी। 10 प्लस 11, आपकी टॉप से रैंक 10 है, मैं आपसे 11 रैंक नीचे हूँ, तो मेरी कितनी हो जाएगी, टॉप से कितनी रैंक हो जाएगी 21। 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 21, ये किसकी रैंक हुई दीपू की, कहाँ से हुई टॉप से। अब देखिए अब मैं बोलता हूँ, मान लीजिए आपकी रैंक बॉटम से नीचे से दी गई है 20th, और मेरी रैंक बोल रहा है कि आपसे 21 रैंक ऊपर है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है शुभी इज 20th फ्रॉम बॉटम, और दीपू के लिए बोला है कि दीपू की रैंक 21 रैंक शुभी से ऊपर है, वही कॉन्सेप्ट है। आपकी रैंक बॉटम से मान लीजिए नीचे से 20 है और मेरी रैंक आपसे 21 ऊपर है, तो क्या हो जाएगी, मेरी रैंक बॉटम से कितनी हो जाएगी 20 प्लस 21 यानी कि 41, तो बॉटम से रैंक कितनी हो जाएगी हमारी 20 प्लस 21 इज इक्वल टू 41। अब ये किसकी रैंक आई दीपू की, एक ही पर्सन है यहाँ पर दीपू, टॉप से भी मिल गई बॉटम से भी मिल गई, बस अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम माइनस वन कितना हुआ 21 प्लस 41 माइनस वन कितना हो गया ये 61, टोटल रैंक आ गई 61। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कितने हैं 61। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बिकॉज एग्जाम में इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये सारे तो बहुत ही आसान है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है, लैंग्वेज इधर की उधर कर देते हैं, बाकी बहुत आसान है। अब जो एग्ज़ाम में आता है वो ज़्यादातर इस तरह का आता है कि दो व्यक्ति हैं, दो, एक कोई बाएँ से 10वें पर है, कोई दाहिने से 9वें पर है, दोनों आपस में रैंक इंटरचेंज कर लेते हैं, अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, तब उनकी बताना होता है कि नई पोजीशन क्या है या टोटल उस रो में कितने लोग बैठे हैं। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये जो अभी मैंने आपको बताया रैंक फ्रॉम टॉप रैंक फ्रॉम बॉटम, इसको चाहे टॉप लिखिए चाहे बॉटम, चाहे लेफ्ट और राइट लिखिए, एक ही चीज़ है। लेफ्ट राइट लिखिए या टॉप या बॉटम लिखिए, सब एक ही चीज़ है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा इसको देखते हैं अब कैसे किया जाता है। क्वेश्चन बोला है इन अ रो ऑफ बॉयज़ इफ़ ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए ये कोई एक रो है, यहाँ पर बैठा हुआ है ए, ये इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है हमारा राइट, ये है ए, लेफ्ट से कितना है इसका रैंक 10, ये है बी, राइट से कितना है इसका रैंक है 9, यही तो बोला ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट बी इज 9th फ्रॉम राइट। अब बोला इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, जब इंटरचेंज करी तो आफ्टर इंटरचेंज पोजीशन बदलने के बाद क्या होगा, जब ये रैंक अपनी ये पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर ए बैठा था वहाँ पर क्या आ जाएगा बी, और जहाँ पर बी बैठा था वहाँ पर क्या आ जाएगा ए, और ये जो पोजीशन थी इनकी ये यही रहेगी, खाली उन्होंने अपना स्थान बदला है, ये क्या है लेफ्ट ये क्या है राइट,
मतलब कि ए की रैंक राइट से अभी कितनी है, उतनी है जितनी बी की थी, खाली उन्होंने अपना स्थान बदला। ए की रैंक राइट से दी गई है कितनी, 9। और क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट से भी उसकी रैंक दे दी कितनी, 15। यही तो हमें चाहिए, लेफ्ट से चाहिए और राइट से चाहिए, बस दोनों तरफ से मिल गई। लेफ्ट राइट बोलिए या टॉप बॉटम बोलिए, टोटल पूछा है भैया कितने हैं, तो टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक माइनस 1, कितना हो गया 15 प्लस 9 24, माइनस 1 23। सो टोटल कितने लोग इस रो में बैठे हुए हैं, इस पंक्ति में 23। ये है इसका एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है कि किस तरह से किया जाए, कि ये पूरा इतना लेंदी प्रोसेस है, तो मैं आपको सीधे डायरेक्ट बता देता हूँ। जो भी आपको इसमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, इंटरचेंज मतलब जो पोजीशन अपनी इंटरचेंज करने के बाद जिसके लिए बोला जाता है, जैसे ए के लिए बोला क्या है, कितना बोला है 15, तो ए का जो अपोजिट होता है, ए का अपोजिट क्या है, बी, बस उसको जोड़ के -1 कर दीजिए। जिसके लिए बोला जाता है बाद में क्वेश्चन में, जिसके लिए जिसकी पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद दी जाती है वो, और जो उसके अपोजिट होता है वो, उसको दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा ऑर्डर एंड रैंकिंग में देखिए, एक इस तरह का और सवाल आता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, अमंग ए बी सी डी ई, ए इज टॉलर देन डी, कैसे करते हैं, ए इज टॉलर देन डी मतलब कि ए बी से डी से बड़ा है, ई इज टॉलर देन ए मतलब कि ई ए से बड़ा है, सी इज शॉर्टर देन डी, सी डी से छोटा है, मतलब कि सीधी सी बात है डी जो है सी से बड़ा होगा क्योंकि सी छोटा है। इसके बाद बोला है बी इज शॉर्टर देन सी, बी सी से छोटा है तो इसका मतलब है सी जो है वो बी से बड़ा होगा बिकॉज बी छोटा है। बन गया हमारा ये पूरा अरेंजमेंट। बस क्वेश्चन पूछा है हु इज सेकेंड टॉलेस्ट, तो ये जो है ये क्या है, ये सबसे छोटा है और ये क्या है, सबसे बड़ा है। सेकेंड टॉलेस्ट कौन सा होगा, क्या होगा आंसर हमारा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एमंग पी क्यू आर एस टी एंड यू, कितने लोग दिए गए हैं, 6, पी क्यू आर एस टी एंड यू, बोला गया है आर इज शॉर्टर देन ओनली पी एंड यू। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, वर्ड ओनली, कंफ्यूज मत होइएगा और ऑप्शंस भी आपको ऐसे मिलते हैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए पी और यू से छोटा कौन है, पी एंड यू से छोटा कौन है, आर। इसके बाद बोला है एस इज शॉर्टर देन टी एंड क्यू, टी और क्यू से छोटा कौन सा है, एस। क्वेश्चन में बोला गया है हु अमंग देम विल बी द शॉर्टेस्ट। अब अगर आप यहाँ पर ये दोनों अरेंजमेंट देखेंगे तो आप क्या बता सकते हैं कौन सा सबसे छोटा है, आप नहीं बता सकते, तो आप क्या आंसर करेंगे, आप करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड सी एंड डी, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया है ओनली, इसका मतलब क्या है, आर इज शॉर्टर देन ओनली पी एंड यू, मतलब कि आर सिर्फ पी और यू से छोटा है बाकी सबसे बड़ा है, आर सिर्फ पी और यू से छोटा है बाकी सबसे बड़ा है, तो ये क्या बनेगा, पी और यू से छोटा है आर बाकी सबसे बड़ा है, मतलब कि टी से भी बड़ा है, क्यू से भी बड़ा है, एस से भी बड़ा है, तो ये ऐसे बना सकते हैं हम। यहां पर देखिए आर सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू से छोटा है बाकी इन तीनों से बड़ा है, तो ये अरेंजमेंट बन जाएगा। अब आप यहां से बता सकते हैं कौन सबसे छोटा है, क्लियर देख के बता सकते हैं कौन सबसे छोटा है, कौन है, एस, तो आंसर क्या होगा, एस। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, जो भी क्वेश्चन आता है उस पर एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए कि क्या होता है, छोटी छोटी मिस्टेक से आपके नंबर कट सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, हर तरह के आपको कॉन्सेप्ट बताए, हर तरह के सवाल करवाए आपको। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।